हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हो गई हूँ नहा धो के एकदम अच्छे से रेडी, और मेरे बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अभी उनका दर्द थोड़ा तो कम है, पर इतना ज़्यादा भी सही नहीं है, पर थोड़ा तो हो रहा है उनके। और मेरे किशू के टीथ मतलब ख़राब हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया है। उसके ना दांत मतलब बीच बीच से ऐसे टूट रहे हैं, छोटू छोटू से मतलब निकल रहे हैं। तो उसका दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को कि इतनी वीक कैसे हैं उसके टीथ। तो हम लोग उसको डेंटिस्ट के पास दिखा के लाएंगे, और उसके बाद थोड़ा मार्केट में भी शॉपिंग करनी है। तो देखते हैं शॉपिंग या फिर किसी को डॉक्टर को दिखाना साथ में करें, या फिर पहले उसको दिखा के लाएँ उसके बाद जाएँ, देखते हैं। हम लोग मार्केट में तो थोड़ा वो टाइम लग ही जाता है, इतना भी नहीं लगेगा हमें। एक दो मतलब एक दो एक शॉप पे जाना है तो हो जाएगा हमारा काम जल्दी से। तो बस ये चल रहा है गाइस। और रात को सेलिब्रेशन से हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं करा। और अभी बस बच्चे नीचे खेल रहे हैं, हम लोग नीचे जाके खाना वाना खाएंगे, या फिर पहले किसी को डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। बीच में पहले मशीन में कपड़े डालूंगी, है बहुत सारे मेरे पास काम। तो मैंने पहना है जी ये वाला येल्लो वाला सूट। तो चलते हैं अभी नीचे। किसु कहाँ जाएगा? तो डॉक्टर के पास जाएगा क्या? है किसु? और लगाओगे सुई तेरे? हैं सुई? डॉक्टर के पास चलेंगे? किधर रहे? किधर के पास? डॉक्टर के पास चले? डॉक्टर के पास चलेगा किसी? डेंटिस्ट के पास? डेंटिस्ट के पास? डेंटिस्ट के पास? डेंटिस्ट के पास है किसी? अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। क्या बताता है किसी को? किसी पता है कि तेरे को कहाँ जा रहा है? किसी को पूरा फोकस है गाड़ी पे। अब तो तू खुश हो रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा तेरे को। डॉक्टर दिखता है तो बेटा ही रहना। तो बैठ जा आगे, माँ के पास बैठ जा। माँ आ रही है। आवाज लगा माँ को। बैठ जा, माँ आ जाएगी। आ जाएगी माँ, बैठो बैठो। अब तो देखने डाल के बता सी बेरोनी डॉक्टर को, के बता सी बेरोनी के किसी लोग क्या दिक्कत है। जब भी मैंने दिखा लिया किशु को, बताती हूँ आप लोग को घर जाके। गाइस हम लोग आ गए थे किशु को डॉक्टर को दिखा के। डॉक्टर ने बताया कि दांत बच्चों के वो टीथ है उनको अभी ब्रश करना तो इतना सही नहीं है, मतलब सेफ नहीं है, क्योंकि 3 साल का हुए नहीं बच्चा तो सेफ नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि दांतों को। हाँ बेटा अंदर बैठने देखो, चल बैठाती हूँ। गाइस किशु को डॉक्टर को दिखा के लिए डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को ब्रश करना तो इतना सेफ नहीं है, क्योंकि 3 साल के हुए नहीं, 3 साल से पहले बच्चों को ब्रश नहीं कराना चाहिए। और कोई बताता है ब्रश कराओ, कोई क्या बताता है डॉक्टर का भी। सो गाइस जी हम लोग आ गए थे किशु को डॉक्टर को दिखा के। डॉक्टर ने बताया कि मतलब जो गीला कपड़ा होता है ना, जैसे साफ कपड़ा और हैंकी वैंकी रुमाल उमाल, तो उसको गीला करके पूरे दांतों में एक दिन में एक दो बार उनको ना क्लीन करो तो ख़राब नहीं होंगे आगे। वैसे दूसरे टीथ आएंगे बच्चों के, वो तो दूसरे आएंगे 6-7 साल में टूट के, तो इतना वो क्या कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनका को इनका कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि इसके थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। तो हम लोग सोचा डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम लोग डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर ने ये बताया। और अभी बस लंच वंच करके बच्चा पार्टी दोनों अभी हम बैठे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मैं इनके पास बैठे इनका ध्यान रख रही हूँ। बस मेरे कपड़े सूख जाए, मैं कपड़ों को सुखा के बच्चों को सुलाऊंगी, और फिर शाम को हम लोग जाएंगे मार्केट। मार्केट में करनी है हमें थोड़ी शॉपिंग। तो ये है गाइज, ये चल रहा है हमारा शेड्यूल। तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं मार्केट शॉपिंग पे। अभी हो रहा है शाम के बजे हैं 4। हम लोग बच्चों के साथ, मैं सो गई थी अभी उठी हूँ, तो मम्मी बोले चलो मार्केट चलते हैं। तो हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट का काम फिनिश करते हैं। और हमारी गुड्डा इतनी रो रही, इतनी देर से रोई जा रही, चुप ही नहीं हो रही, चुप ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या ही हो गया। मैं अपना पर्स वर्स ले लेती हूँ, मेरे को करनी है थोड़ी शॉपिंग। तो मुझे किस लिए शॉपिंग करनी है गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, मेरी शॉपिंग मैंने किया इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। तो मेरे पास मतलब जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ी बहुत कर रही हूँ प्रिपरेशन, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग। तो ये बात है गाइस, क्योंकि उनके लिए थोड़ी शॉपिंग तो बनती है, पहली बार हमारे घर कोई आए तो उसके लिए थोड़ा तो कुछ स्पेशल लेना बनता है। तो अभी चलते हैं मार्केट, करते हैं शॉपिंग, दिखाते हैं आप लोगों को। आज इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग करी है। सो चलते हैं गाइस, हमारे साथ चलिए शॉपिंग पे। गाइज अभी हो गई हमारी शॉपिंग, किशु आया आज शॉपिंग करने के लिए।
किसी किसी की माँ और मैं, हम लोग अभी देखते हैं खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे। हमारी गुड्डा है घर पे, हमारा गुड्डा बहुत सयाना बच्चा हो रहा है, जाता है बिल्कुल बदमाशी नहीं करता। फिर हम लोग खाते हैं दही पूरी या फिर पानी पूरी, कुछ बाहर आए कुछ खा के नहीं जाए तो मज़ा नहीं आता। गाइस हमारी हो गई शॉपिंग डन, मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सब्जी तो बना दी है, मैंने कुछ सूट नहीं करा क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला सूट करने का। मैंने सब्जी बनाई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, गाजर मटर की सब्जी बनी है जो मैंने आप लोगों को रेसिपी भी दिखाई है। गाइस देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी है और इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इमली चढ़ाई है, ये मेरी बन रही है इमली की चटनी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, बाकी दूध गर्म हो गया है बच्चों का और मेरा। और ये मैंने इमली चढ़ा रखी है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद निकालें, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिलती, बीज वाली मिलती है इमली, इधर शायद मिलती नहीं है। इधर दिल्ली विल्ली जयपुर में तो मिल जाती है बिना बीज वाले, कि अच्छे बीज बीज निकालना नहीं पड़ता, चटनी बनाने के लिए सही रहती है वो। तो गाइज ये हो रहा है मेरा काम, अभी हो रही है शाम। तो मैंने सोचा कोई गेस्ट, आप लोगों को तो पता ही होगा स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं कुछ, तो हम लोग उन्हीं की तैयारी में लगे थे आज। तो उनके लिए लेके आए थे मार्केट से कुछ गिफ्ट लेके आए थे। और अभी मैं खाने के लिए मतलब पहले से थोड़ा प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों में एक दिन में तो हो नहीं पाएगा मेरे से कुछ। तो मैं इमली की चटनी अभी बना रही हूँ, इमली की चटनी में मतलब थोड़ा वो नहीं रहता, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब इमली की चटनी का ये है ना कि ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिनों तक रखी रहे तो ख़राब नहीं होती। तो मैं पहले से बना रही हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, कल भी नहीं आएंगे परसों आएंगे, तो मैं मतलब अभी शाम हो रही है तो आज ही थोड़ा बना रही हूँ इमली की चटनी। अभी सामान मंगाया था मैंने पापा जी से तो वो लेके आए थे, तो मैंने सोचा इमली की चटनी तो अभी मैं फ्री थी तो मैं बना देती हूँ। तो गाइस मैं बना लेती हूँ इमली की चटनी फटाफट। और मेरा काम यहाँ पे इतना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं इनका छिलके विलके सब हटा के और एकदम अच्छी सी प्योरी सी इमली की चटनी बनाऊंगी। पूरी रेसिपी दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या बनने वाला है, तो उस पर स्पेशल डिशेज बनने वाली है। मैं अभी तो आप लोगों को नहीं बता सकती, अभी तो मेरा बता नहीं सकती, पहले मैं जब बनाऊंगी पूरा मतलब ब्लॉग डालूंगी तब आप लोग देख लेना। अभी तो बस स्टार्टिंग है, मतलब प्रोसेस मेरी स्टार्ट हुई है, एंड तक देखते हैं क्या क्या बन पाता है क्या नहीं बन पाता है। क्योंकि एंड में जाते जाते मतलब बच्चों में ऐसा लगता है उस दिन मतलब लंच टाइम तक, क्योंकि हमारा काम ही खत्म होता है 12 बजे तक सारा नहाना धोना, तो उस दिन बनाना भी है खाना, थोड़ा बहुत पहले दिन बना लेंगे थोड़ा कुछ। तो ये बात है गाइस, देखते हैं कब क्या बन पाता है। तो मैं सारी दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, स्पेशल गेस्ट कौन आने वाले हैं, तो गेस्ट करिए आप लोग। अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शॉपिंग दिखाऊंगी मैं, शॉपिंग करके लाई हूँ तो अभी नहीं दिखा रही, मैं दिखाऊंगी साथ में ही मैंने क्या शॉपिंग करी है, तो देखना गाइस। देख सकते हैं मेरी इमली मतलब थोड़े जो थे अंदर के पल्प सारा सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको अभी छलनी से छानूंगी, पूरा बीज वीज सब हटाऊंगी, अच्छे से दूसरे में ट्रांसफ़र करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा इसको तड़का लगाएंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनती है मेरी इमली की चटनी। और ये इमली की चटनी किसी के साथ भी खा लो कुछ भी तो अच्छी लगती है। तो ये हमारी इमली है, इमली की चटनी अभी मैं बनाती हूँ, प्रोसेस में है ये मेरी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा प्रोसेस। गाइस ये मेरा इमली का पल्प बन के रेडी है, तो मैं इसको बनाती हूँ अभी, सारी प्रोसेस आगे कैसे डालू दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ऑयल में डाल दिया जीरा और सौंफ, अब इसमें डालूंगी इमली का जो पल्प बनाया है ये, उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा गुड़ और काला नमक। तो गाइस मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है इमली की चटनी में गुड़, और उसके बाद एंड में डालेंगे इसमें काला नमक, उसके बाद है हमारी इमली की चटनी बनके रेडी। हाँ गिर दो किसे, देखो कितना लड़ कर मेहंदी, मेहंदी कैसी मम्मा की तच्ची, अरे मेरा बच्चा तच्ची है ये, तेरी मम्मा की मेहंदी। पापा को बोलो पापा आई, मम्मा पापा आई, पापा आई, पापा आई। गाइस किसे बहुत मिस कर रहे हैं अपने पापा को, बार बार पापा 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 करे जा रहे हैं, पापा गए हैं ऑफिस, तो अब पता नहीं कब आएंगे। क्या करी मेरी किशु बेबी, किशु बेबी कैसे बजाता है, अरे वाह किशु तो अपनी मछली को बहुत अच्छे से बजाता है, तो अले 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 मैं बजाऊं अले 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 अले
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह है, मॉर्निंग का टाइम, और अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। बच्चे दोनों अपना नीचे जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और बच्चों की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो लगा था उनको वैक्सीन, तो उस वजह से 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही रहा। आज जाके उनका थोड़ा ठीक हुआ, कल भी ठीक था पर आज थोड़ा एकदम अच्छे से ठीक है। और ये बात है, और अभी मैं कर लेती हूँ अपना काम। कल मैंने बनाई थी इमली की चटनी, अब मेरी प्रोसेस थोड़ी रुक गई है। अभी आज मेरे को कुछ नहीं बनाना, तो मैं कल परसों से थोड़ा स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे जो गेस्ट आने वाले थे उनका 1-2 दिन थोड़ा डिले हो गया है, तो मेरा थोड़ा प्रोसेस में मैं रुक गई हूँ। अभी मैं कहती हूँ 1-2 दिन आराम से कुछ भी नहीं करना, दवाई थोड़ा भागम भाग हो जाता। अभी मैं करती हूँ अपने कपड़े वपड़े समेटती हूँ, काम करती हूँ अपना, और इतने में बच्चे आ जाएंगे, उनको नहलाना धुलाना वो सब काम चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नहा धो के। तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, आप लोग देख सकते हैं बच्चों को नहला दिया, मैं नहा ली हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट थे भाभी के जो मतलब बाजूबंद के जो लटकन थे वो वैसे मैंने भी सेम मंगवाए हैं, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कहाँ से लिए हैं, उनका एड्रेस क्या है, पूरा दिखा देती हूँ। आप लोगों को इतने ज़्यादा कमेंट थे तो मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ, लटकन दिखाती हूँ, उसके बाद उनका एड्रेस बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। ये है मेरी, लट देती हूँ बैक कैमरा से आपको अच्छे से, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारी सी है, ये देख सकते हैं। मेरे पास थी लटकन पर मेरी थोड़ी चेंज थी, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने भाभी को बोला मेरे को भी ला के देना। तो ये लटकन है, बहुत सुंदर सी है, आप लोग क्लोथ से भी मैं दिखा देती हूँ। ये है लटकन को, यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं, ये पूरा इसका है लटकन। कभी मैं पहनूंगी बाजूबंद, कोई फंक्शन आएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये है मेरी लटकन, और इसका एड्रेस, क्या एड्रेस बता देती हूँ। ये गणगौर बेंगल सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बाजू कूंची बंगड़ी रानी हार सब कुछ इनके पास मिलता है। तो ये सीकर से ली हुई है, बजाज रोड न्यू कोतवाल रोड के पास है इनका एड्रेस, तो यहाँ से आप लोग भी मंगवा सकते हैं। ये इनके नंबर हैं, तो अगर आपको पहले इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग इनके नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है लटकन, तो मंगवानी है लेनी है। मैंने सोचा आप लोगों के पहले कमेंट थे बहुत दिन पहले जब मैं उधर गांव में थी, तो मैंने सोचा अभी मेरे को याद आई मैं निकाली थी वाली लटकन, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। सो गाइज आप लोग भी अपने लिए मंगवा सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज, अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मैं नहा धो ली हूँ अपना, बच्चे पार्टी भी नहा धो लिए हैं मैंने, आज धोए थे बाल, उनमें जो मेरे सूख नहीं रहे, थोड़ा धूप में जाके बैठूंगी क्योंकि ड्रायर से सुखाना भी सही नहीं लगता, रोज रोज अजीब सा ही लगता है मेरे को तो धूप में बाल सुखाना ही अच्छा लगता है। और आप लोग पूछ रहे थे मेरा हेयर कट कौन सा है, तो गाइज मेरा हेयर कट मुझे भी नहीं पता कौन सा हेयर कट किया है उसने, क्योंकि मतलब मैंने ऐसा कोई स्पेशल बताया नहीं था कि कौन सा हेयर कट करना है, मैंने बोला भाई थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देना, तो उन्होंने अपने हिसाब से मेरा हेयर कट कर दिया है। सो ये बात है गाइज, मैंने सोचा आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों का रिप्लाई दे देते हैं। सो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।